असलम जनरल साइंस क्लास सेवन चैप्टर सेवन फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ क्लास सेवन के टोटल जो है छह चैप्टर शेयर कर दिए आज हम जो है वो चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट करेंगे वैसे मैंने आपके साथ जनरल साइंस का जो है वो क्लास फोर के तमाम चैप्टर्स क्लास फाइव के तमाम चैप्टर्स और क्लास सिक्स के तमाम चैप्टर्स वो शेयर कर दिए अगर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो पहले देख लें उसके बाद जो है वो ये स्टार्ट करते हैं तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बिलाइकन को ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोज आसानी से पहुँच सें ट्वेंटी एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में जो है सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ट्वेंटी एट मैंने निकाले हैं और ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर का टॉपिक ही ऐसा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैटर मैटर की चेंजेस में के, के कितने टाइप्स हैं आंसर टू टाइप्स फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्वेश्चन नंबर टू चेंज इन फिजिकल अपीरेंस आर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल अपेरेंस में कोई चेंज uh, हो या फिर उसकी स्टेट में तो फिर उसको क्या कहा जाता है आंसर फिजिकल चेंज क्वेश्चन नंबर थ्री स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज अ रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच uh, करते हैं उसको खींचते हैं तो वो कौन uh, ये कौन सी चेंज है आंसर फिजिकल चेंज क्वेश्चन नंबर फोर मेल्टिंग एवापोरेशन फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ये सारी चीजें जो है वो किस चीज की एग्जाम्पल्स है? हैं आंसर फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मेनी पॉइंट्स टू फाइंड अ फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज को ढूंढने के लिए कितनी पॉइंट्स होती हैं हमारे पास आंसर टू पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट आर दी टू पॉइंट्स टू फाइंड अ फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज को फाइंड करने के लिए जो दो पॉइंट्स हैं वो कौन सी हैं आंसर नंबर वन चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड नंबर टू सब्सटेंस डज नॉट टर्न इनटू न्यू सब्सटेंस यानी कि नंबर वन में जो दी गई है चेंज जो है वो रिवर्स कैन बी रिवर्स वो रिवर्स हो सकती है यानी कि जो उसकी चेंज होगी हो वो रिवर्स होगी और दूसरी पॉइंट ये है कि जो सब्सटेंस होगा वो नए सब्सटेंस में तब्दील नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सेवन केमिकल फर्टिलाइजर्स बनस्पति घी एंड प्लास्टिक्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ ये सारी चीजें जो है किस चीज की प्रोडक्ट्स हैं आंसर केमिकल चेंजेस की क्वेश्चन नंबर एट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज थ्रो जो नए सब्सटेंसेस हैं वो फार्म होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज में किसके जरिए आंसर केमिकल चेंजेस के जरिए क्वेश्चन नंबर नाइन बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ जब फ्यूल बर्न होता है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है ये आंसर केमिकल चेंज का क्वेश्चन नंबर टेन द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कैंडल वेक्स यूज टूडे इज आजकल जो बहुत ही ज्यादा जो है मशहूर जो कैंडल वेक्स है आजकल के दिनों में वो कौन सी इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या है आंसर पैराफिन वैक्स क्वेश्चन नंबर इलेवन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पैराफिन विक्स इज पैराफिन वैक्स की जो केमिकल कंपोजिशन है वो कौन सी है आंसर सी ट्वेंटी फाइव एच फिफ्टी टू कार्बन एंड हाइड्रोजन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कैन टिपिकली रेंज फ्रॉम एक्चुअल नंबर जो है कार्बन एटम्स के वो टिपिकली रेंज कहा स्टार्ट होते हैं थर्टीन अवेक्स मालिक्यूल इज नोन एज अवेक्स मालिक्यूल जो है वो किस चीज से जाना जाता है आंसर लॉन्ग हाइड्रोकार्बान क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंपाउंड मेडअप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं उसको क्या कहा जाता है आंसर हाइड्रोकार्बंस क्वेश्चन नंबर 15 सिंपलीस्ट हाइड्रोकार्बन इज सिंपलीस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है आंसर मीथेन क्वेश्चन नंबर 16 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस चीज के कंपाउंड है आंसर कार्बन के क्वेश्चन नंबर 17 बर्निंग ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन इज कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो उसको क्या कहा जाता है आंसर केमिकल चेंज क्वेश्चन नंबर 18 फ्यूल पेट्रोल फर्नेस ऑयल एंड गैस आर एग्जांपल ऑफ ये सारी चीजें किस चीज़ की एग्जांपल हैं आंसर हाइड्रोकार्बॉन की क्वेश्चन नंबर 19 ड्यूरिंग केमिकल चेंज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज के बाद एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होती है आंसर हीट एंड लाइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इन टू फेट इज कार्ल्ड ऐसा केमिकल प्रोसेस जो है वे, वेजिटेबल आयल को जो है वो चेंज करे फेट में तो उसको क्या कहा जाता है आंसर हाइड्रोजिनेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पॉलीमर्स आर मेडअप ऑफ स्मॉल आइडेंटिकल मालिक्यूल्स कार्ल्ड पॉलीमर्स जो है वो शिमॉल जो है आइडेंटिकल मालिक्यूल्स के बने हुए होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है आंसर मोनोमर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स क्या हैं आंसर पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कुकिंग ऑफ ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इज ब्रेक ब्रेकफास्ट की कुकिंग लंच की या फिर डिनर की कुकिंग जो है वो क्या है आंसर केमिकल चेंज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ पानी में जो शुगर uh, डिजॉल्व होती है तो उसको क्या कहा जाता है आंसर फिजिकल चेंज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज फायर वर्क की जो एक्सप्लोजन होती है उसको क्या कहा जाता है आंसर केमिकल चेंज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अ चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ऐसी चेंज जिसमें जो है नए एक या एक से ज्यादा जो है सब्सटेंस क्रिएट क्रिएट हों फॉर्म में आए तो उसको क्या कहा जाता है आंसर केमिकल चेंज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज को दूसरा क्या कहा जाता है आंसर केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट मिथेन गैस इज आल्सो नॉन एज मिथेन गैस को दूसरा क्या कहा जाता है आंसर नेचुरल गैस आरसुई गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोस आसानी से पहुंच सके और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्रिया अला हाफ मिलते हैं अगली वीडियो में